अमावस और रामेश्वरम में आज के दिन दूर दूर से लोग पिंडदान और मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। अनुमान है कि आज 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं और इसी वजह से आज शाम तक ये शहर बंद रहेगा। चार लोग यहाँ पे दिख रहे थे और आज शिवलिंग। तो वैसे आज के प्लान में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। We stopped at this place randomly. तो कहते हैं ना कि अनप्लान चीजें अक्सर सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो ऐसी ही थी ये जगह जो कि मेरे लिस्ट में तो नहीं थी, पर फिर भी हमने यहाँ घंटों बिताए। I'm planning to go still there. Let's see what I can get in the way. So I found this. I think this is a shell. I don't know कि क्या निकलेगा। पानी जैसा लग रहा है। सो बीच के पास ही मुझे ये ट्री हाउस दिखा जो कि देखने से लग रहा था काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से व्यू अल्टीमेट था। सो ये 70 rupees टिकट फॉर बोट राइड। सो बीच के बाद हम आ गए थे बोट राइड पे जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने हो रही थी। के बाद हम आ गए थे पंबन ब्रिज की तरफ। रामेश्वरम व्लॉग 1 में इसकी थोड़ी सी झलक आपको मिली गई थी, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पंबन ब्रिज इंडिया का सबसे पहला और लंबा सी ब्रिज है, हालांकि अब ये दूसरे नंबर पे है, पहले पे मुंबई का सी लिंक है। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम यानी कि इंडिया से जोड़ता है। 23 दिसंबर 1964 में एक तूफान ने भरी ट्रेन को अपने में समेट लिया। अनुमान है कि उस ट्रेन में 150 लोग से ज्यादा मौजूद थे। उस तूफान के कुछ शेष आपको आज भी धनुषकोडी में देखने को मिलेंगे, जहां पे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। डिटेल के लिए आपको ब्लॉग 1 देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओल्ड पंबन ब्रिज के पैरेलल में ही न्यू पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जो कि फर्स्ट वर्टिकल रेलवे ब्रिज होगा। पंबन ब्रिज के बाद हम आ गए हैं विलोंदी तीर्थम। माना जाता है कि सीता जी को बहुत तेज प्यास लगी थी और श्री राम ने बाण चलाकर यहां कुंड का निर्माण किया। आप जब भी इस जगह पर आएं तो कुंड का पानी और समुन्दर का पानी दोनों ही टेस्ट करिएगा।
आपको पता चलेगा कि कैसे एक ही जगह पे समुद्र का पानी खारा और नमकीन है, वहीं कुंड का पानी मीठा है। दिन भर की सैर के बाद हम वापस आ गए थे रामेश्वरम बीच पर। कितना अलग था आज यहाँ का नज़ारा। लोगों से भरा नदी का किनारा अब शांत हो चुका था। नदी अपने अंदर कितना कुछ छुपाए रखती है ना, जीवन से लेके मृत्यु तक। हर एहसास को छुपा पाना क्या इतना आसान है? तो आज रामेश्वरम में हमारा आखिरी दिन है और जाते जाते हम एक बार फिर दर्शन के लिए निकल पड़े। We are back from the temple and now we have to check out. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.